चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए बीएन के विस्थापन नियम का। अगला है आवांतर ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच। अगला है अश्व अक्षांश से डॉल डे की तरह बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवन। अगला है विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? तो पश्चिम प्रशांत महासागर में। अगला है उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवान। अगला है कौड़धारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? ताकि वृक्षों हिम से रक्षा कर सकें। अगला है काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेंगुर मिट्टी के नाम से। अगला है देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में? हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ में। अगला है कोल भील गोंड बेंगा मुरिया आदि जनजातियों का निवास स्थान क्या है? मध्य प्रदेश। अगला है तेंदू पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है बीड़ी उद्योग। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। अगला है मोनोजाइट के संस्करण से प्राप्त होता है थोरियम। अगला है भारत के पूर्वी तट पर पूर्णता सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग उड़ीसा झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? विशाखापट्टनम। अगला है कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है बुशमैन। अगला है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है पनामा नहर। अगला है हमारा जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस्मोपॉलिटिन नगर किसे कहते हैं जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं? अगला है कोयना परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला है आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य में है? राजस्थान से। अगला है हमारा क्वेश्चन भद्रावली इस्पात किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। अगला है विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला है हमारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लिब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड। अगला है पीर पंजाल श्रेणी का वेरीनांग स्थित किस नदी का उद्गम? झेलम नदी का। अगला है तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का क्या नाम है? बांदीपुर वन्य प्राणी अभयारण्य। अगला है एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। अगला है वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो यह आयन मंडल। अगला है हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से। अगला है ऑस्ट्रेलिया के कालगुरिली किसकी खानों के लिए विख्यात है? सोने की खानों के लिए। अगला है हमारा अभ्यक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला है भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार है 4.8 डिग्री से 37.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर है 68.7 से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अगला है भारत में इसे याद रखिए ऐसे 84 से 378 याद रखिए सॉरी यहाँ 376 होगा ठीक है 6 होगा या 8 की जगह गलत छपा हुआ है 84 से 376 उत्तरी अक्षांश और इसे देशांतर को याद रखिए 687 से 97.25 पूर्वी देशांतर ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अगला है भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी सागर राजस्थान नहर इसे बोला जाता है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? पिंपरी पुणे में।
अगला है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर। अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस स्थान पर 7,000 अरब घन फुट गैस के भंडार का पता चला है? कृष्ण गोदावरी बेसिन में। अगला है केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। अगला है किस मध्यान रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? सौर दिवस। अगला है विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है? दक्षिण अफ्रीका गणराज्य। अगला है चंबल कैन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की। अगला है पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस मुख्य उद्योग से है? तो कागज उद्योग से। अगला मसाई जनजाति के पड़ावे को क्या कहते हैं? पड़ावे को तो काल। अगला एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतरदेशीय सार का क्या नाम है? काला सागर। अगला ग्रेट ऑरिजिन आरटीजीएन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला यूरोप के कौन से दो देश अंतर जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए? फ्रांस और इंग्लैंड। अगला पूर्वी भारत के सुंदरवन किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो यह मैंग्रोव। अगला विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में। अगला हमारा यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित का काम करता है? एशिया और यूरोप के बीच। अगला हमारा उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेली किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की है। अगला हमारा ग्रीन बिच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान मध्यान रेखा। अगला है स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? ग्रेगरी की। अगला है पृथ्वी द्वारा अपनी दूरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिन। अगला हमारा हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान ओमान को। अगला है बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स किस क्षेत्र का व्यवसाय है? प्राइवेट सेक्टर का। अगला है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो केरल में। अगला है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? दक्षिणी वास्टर्स। अगला क्रकताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। अगला लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। अगला पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान। अगला है आरटीजीएन कुए किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? फरतदार चट्टानों। अगला है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिए 79,82,300 वर्ग किलोमीटर। अगला हमारा ओबरॉन टिटेनिया एरियल अम्बी थल और मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख ग्रह हैं? यूरेनस के। अगला हमारा लघु ज्वाय के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति होती है परस्पर समकोण पर। अगला है रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में? नागा पर्वत श्रेणी में। अगला हमारा अरावतल पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? लूनी एवं यानास। अगला है वर्नल इकोवॉक्स कब होता है? 21 मार्च को। अगला स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में चलती है? इटली में। अगला असम से पृथक कर बने राज्य कौन से? मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश। अगला व्लादिवोस्टोक कहाँ स्थित है? रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगला है पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। अगला है खारतूम में किन दो नदियों का संगम होता है? नील व श्वेत नदियों का। अगला है लोह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुंदेमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला है नियाग्या जलप्रपात किन देशों कौन दो देशों को विभाजित करता है? तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। अगला है त्रिनिदाद और टोबेगी की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को कहा जाता है उपसौर। अगला काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को।
अगला, तिस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के। अगला है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? तो यह तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य। अगला है, किन द्वीपों को प्रशांत महासागर के चौराहा उपनाम से जाना जाता है? तो यह हवाई द्वीप को। अगला है, विश्व का सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो यह रोहतांग दर्रे से। अगला